गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, सो जस्ट टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स ये सारे आपके हैं। यहाँ पर ग्रीडी मीन्स लालची, ट्रिक, चाल, पेनीलेस गरीब, वेल कम होना, पैथेटिक बहुत गरीब, सीम्स लगना, एक्वायर प्राप्त, सेट ऑफ वजह बनता है, बेयर आखिरकार, लिंक्स लिंक्स मींस अंग, फॉर्म यानी गठन करना, किसी भी चीज का गठन करना, इकट्ठा करना, स्कैटर मींस बिखरा हुआ यानी कुछ समाज से बिखरा हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, स्कैटर हो गया। मटर यानी धीरे से बोलना, फेरोशियस खतरनाक, वैनिश गायब हो जाना, डिमोन क्रैश। ठीक है, तो ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी नोटबुक में डिफिकल्ट वर्ड्स करने से पहले क्या करोगे आप, अपना सबसे पहले एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। जैसे ये हमारी एक पिक्चर है, आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे वो पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले नोटबुक में हमें पिक्चर ड्रॉ करेंगे, देन डिफिकल्ट वर्ड्स मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, आप फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज जो भी होगी और आप अपने बुक में करेंगे। चलो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नेम इज द फोर मजिशियंस। क्या नाम है? फोर मजिशियन यानी जादूगर। देखिए विक्रम और वैताल होते हैं, विक्रम कौन होता है, राजा है हमारा, एक काफी अच्छे राजा थे, और वेताल एक राक्षस होता है। तो विक्रम क्या करते हैं, वेताल को पकड़ते हैं और वेताल फिर उनको एक कहानी सुनाते हैं और उसके एंड में वो मोरल ऑफ द स्टोरी उनसे पूछा करते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि वेताल विक्रमादित्य को कौन सी स्टोरी सुनाते हैं और फिर क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और देखते हैं आपके आंसर उसके देंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वेताल शुरू करते हैं कि एक बार की बात है, कृष्ण स्वामी नाम का एक आदमी पाटलिपुत्र में रहता था। वो और उसकी वाइफ और उसकी वाइफ के चार बच्चे थे और किसी तरह कृष्ण स्वामी और उसकी पत्नी मर जाते हैं। फिर कौन रह जाते हैं, चार बच्चे। तो उनकी कुछ रिलेटिव होते हैं, वो उनकी क्या करते हैं, सारा का सारा जो भी पैसा वैसा होता है, प्रॉपर्टी वगैरह होती है, वो सब उसको हड़प लेते हैं, चार बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनके पास कोई पैसा नहीं होता, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं होता। आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, अपने नाना के घर जाते हैं। लेकिन वो नाना के घर जाकर के पता उनको ये चलता है कि उनके नाना तो नहीं बचे, वो भी भगवान जी को प्यारे हो गए। लेकिन उनके जो कुछ मामा वगैरह होते हैं, मैटरनल अंकल होते हैं, तो वो उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो भी उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, खा रहे तो खा रहे, नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, ध्यान नहीं रखते उनका। तो वो सारी चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, चारों बच्चे इन सारी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। फिर वो एक जगह खड़े होकर सोचते हैं कि हम अब क्या करें, हमारी लाइफ इस तरीके से बहुत बुरी हो रखी है, तो क्या किया जाए। तो वो सोचते हैं कि देखिए हमारे पास अभी कोई स्किल नहीं है, और हम ऐसा करते हैं कि हम कोई ना कोई स्किल को सीख के आते हैं और फिर हम यहीं पे इकट्ठे होंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि हम क्या क्या हमने सीखा है, और उसी से हम अपना रोज अपना जो हमारी जिंदगी है उसको हम इस तरीके से चलाएंगे। तो वो चारों के चारों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं ये वादा करके कि कुछ समय बाद में वो इकट्ठे यहीं पे होंगे। और जब वो चले जाते हैं उसके बाद में कुछ समय बाद वो सारे इकट्ठे होते हैं। फिर सबसे बड़े जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे पास ऐसी प्रतिभा है, प्रतिभा नहीं कहेंगे, कौशल है, यानी कि मैंने कुछ ऐसा सीखा है जिससे कि हड्डियों पे मांस चढ़ाया जा सकता है। कहते हैं ओके। जो सेकंड नंबर का होता है वो क्या बोलता है कि मैंने ऐसा सीखा है कि अगर मांस चढ़ा हो तो उसके ऊपर स्किन और हेयर खाल और बाल मैं उसके ऊपर चढ़ा सकता हूँ, मेरे पास ये मैं सीख के आया। तो तीसरे कहते हैं कि ठीक है, जो ये अगर कि मेरे पास ऐसा कुछ है जिस पे खाल है, स्किन है, बाल वगैरह है, तो मैं उनके अंगों को अच्छे से सही से कर सकता हूँ, मतलब लगा सकता हूँ, अंगों को सही तरीके से बैठा सकता हूँ। फिर फोर्थ बोलते हैं कि जब ऐसा कुछ मुझे मिले तो फिर मैं उसके अंदर जान डाल सकता हूँ। कहते हैं ओके। तो फिर सबसे बड़े भाई बोलते हैं कि चलिए हम इसे आजमाते हैं, क्यों ना हम इसे आजमाएं। तो फिर वो अपने एक जंगल, चारों के चारों भाई एक जंगल में जाते हैं, वहाँ पे कुछ हड्डियाँ मिलती हैं उन्हें। तो फिर सबसे बड़े भाई क्या करते हैं, उनके ऊपर खाल चढ़ा देते हैं, कुछ स्पाइक करते हैं और खाल चढ़ा देते हैं। फिर दूसरे क्या करते हैं, उनके ऊपर खाल नहीं चढ़ाते, वो फर्स्ट वाले जो होते हैं मांस चढ़ाते हैं, फ्लैश। ठीक है, फिर दूसरे वाले क्या करते हैं, खाल और स्किन और बाल चढ़ा देते हैं। और थर्ड वन क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर देते हैं, ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ कहाँ लगनी है ये सब चीज़ें। और फोर्थ क्या होता है, और फिर थर्ड जब चढ़ा देते हैं ना तो उन्हें पता चलता है कि एक तो एक लायन है, लेकिन
फिर फोर्थ की बारी आती है, फिर फोर्थ क्या कहते हैं, अब इसमें जान डालनी है तो मैं ये जान डाल देता हूँ। तो वो अपना स्पेल करते हैं और जान डालते हैं, और जैसे ही उसके अंदर वो जान डालते हैं उनको ये समझ में आता है कि ये तो एक लायन है और हमको खा जाएगा। इतना सोचने की देर नहीं होती कि वो आके उनको चारों को पकड़ता है और खा जाता है। तो फिर विक्रम और बेताल जो जिनके लिए कहानी चल रही होती है, ठीक है, तो फिर बेताल पूछते कि अच्छा ये बताइए राजा कि इसमें गलती किसकी थी, आपको क्या लगता है। तो वो बोलते हैं कि देखिए पहले ने जो किया ओके, सेकंड ने किया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, तीसरे ने किया उसमें भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन तीसरे वाले में ये पता चल चुका था कि ये क्लाइन है, ठीक है, तो फोर्थ वाले को ध्यान रखना चाहिए था। क्या ये ध्यान रखना चाहिए था कि इसमें जान नहीं डाली जाए। वैसे तो धीरे धीरे करके जैसे कि चलो चारों भी अगर ये भाई डिस्कस कर लेते कि हमें ये शेर है अब हमें इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि इसके हम अंदर जान डालते जान को डालो, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मिस्टेक सबसे ज्यादा किसकी थी, छोटे वाले की। थोड़ी थोड़ी उन सबकी भी थी लेकिन सबसे ज्यादा छोटे वाले की थी कि उन्होंने उसमें जान डाल दी। तो होता ही कहने का बेताल ने फिर ये पूछा कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो उन्होंने विक्रमादित्य ने ये कहा कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी जरूरी होती है। इंटेलिजेंसी मीन्स आपको समझदारी होनी चाहिए कि आपको अपना कौशल कहाँ दिखाना है और कहाँ नहीं दिखाना है। ये बात सबसे जरूरी है कि कहाँ दिखाना है और कहाँ नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर कि ये कौशल अगर ये समझदारी आपके अंदर नहीं है तो आपका जो कौशल है, जो प्रतिभा है, वो भी बेकार हो जाती है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने जैसे ही सुनी तो उन्होंने कहा कि हाँ आपने एकदम सही कहा है। और बेताल फिर क्या हो जाता है, फिर वो वापस से उड़ जाते हैं और राजा विक्रमादित्य फिर से उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी, आई होप ये आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और बाकी का क्वेश्चन आंसर वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।